Justin Diamond. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डाइट एंड बाइट। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो मैं आपको बता देती हूँ मैं इस चैनल पर क्या क्या अपलोड करती हूँ। मैं अपनी वर्कआउट वीडियोस अपलोड करती हूँ, जो कि मुझसे वर्कआउट हो नहीं रहा है, बट हम ट्राइंग की हो जाए या तो फिर जिम ज्वाइन हो जाए टाइमिंग निकाल के, और हम लोग अपनी डाइट रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करते हैं, जो कि मैं भी रेगुलर पे हूँ। एंड मुझे वेट लॉस की बहुत ज़रूरत है। हम पियर शेप बॉडी ओवर वेट सब ठीक है, और मोटापा झलक रहा है हाथों में से, हाथ बहुत बल्जी हो रखे हैं, फैटी हो रखे हैं अपनी बेइज्जती करने के बाद भी। बट अब आगे बढ़ते हैं। आज है डे नंबर 6। आज मौसम में बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बट धूप अब आ गई, आने वाली है लग रहा है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी किरणें आ गई है। और लाइफ अपडेट, आज मेरा गला ख़राब है ठीक है, और मेरे दांत में ना दर्द है, ये वाले दांत में, तो डॉक्टर को दिखाया, उसे मेडिसिन दी है, काफ़ी दर्द था। और मेरे दो दांत सेंसिटिव है, जो ये दो आगे के टेढ़े हैं ना, ये और के तीन दांत मेरे बहुत सेंसिटिव है। और आज है हमारा डे नंबर 6 सितंबर है। सुबह सुबह हमको जो दिया गया है वो दिया गया है धनिया का वाटर, मतलब हरे पत्ते पीस लो, धनिया के दाने उसको फिर ग्राइंड करके पी जाओ। अब धनिया होता है ठंडा ठीक है, और मुझे ऑलरेडी कोल्ड कफ हो रहा है मेरे को बहुत गंदा वाला, तो नहीं पी सकती, इसलिए मैंने गर्म पानी लिया है अजवाइन का। उन्होंने मुझे बोल दिया अजवाइन का ले लेना। अगर आप वेल एंड गुड हैं तो आप धनिया का पानी लेना, धनिया धोना, उसको काटना और हल्की सी उसकी डंडी काटना, सारी मत काटना, और उसको पीस के पी जाना। एंड बाकी बहुत अच्छा है। अगर किसी को थायराइड है तो वो खाली पेट ही पी सकता है, काफ़ी ठीक हो जाता है। बट आपको कम से कम आपको उसको 3 महीना पीना पड़ेगा। एंड अभी मैं हूँ शॉप पर, और मैं आपको बताती हूँ मेरा इंटरमीडियंट फास्टिंग कैसे जा रहा है। इंटरमीडियंट फास्टिंग में देखो, 11 बजे तक तो मैं अच्छे से काम कर लेती हूँ ठीक है, काम वाम करके ख़त्म कर देती हूँ। बाकी का जो मतलब ये भूख तो लगती है ठीक है, क्योंकि मैं मम्मा भाई का जब नाश्ता बनाती हूँ तो मुझे भूख लगती है कि मैं भी खा लूँ, बट मुझे नहीं खाना होता। फिर मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ, सोने के बाद जैसे ही 12:30 बजते तो भाई पेट में से आवाज़ें शुरू हो जाती है, भूख लगी होता है ना, कुड़ 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 उस टाइप का वैसा होना शुरू हो जाता है। बट कोई नहीं, अभी तक 6 नंबर तक तो अच्छी जा रही है, 6 डे हो गए हैं, नंबर कह रही हूँ ठीक है। अगर मैं कुछ उल्ट पुल्ट बोल दूँ तो प्लीज़ इग्नोर कर देना। एंड आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना आपको क्यों नहीं करना, क्या मेरे चैनल पर खामी है, फिर मैंने कमी बोला सोची ठीक है। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, आ जाओ तुम कर लो पहले ठीक है। हॉर्न। तो बात यह है कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, कुछ कमी है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि क्या कमी है, क्या मैं बढ़ा सकती हूँ जी, जिससे आपको अच्छा लगे। एंड या दैट्स इट। हम लोग लाए हैं अजवाइन का वाटर, क्योंकि अजवाइन थोड़ी गर्म होती है, हम लोग ले सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप धनिया का वाटर ले सकते हैं ठीक है। अब मैं आपको मिलती हूँ ब्रेकफास्ट में, ब्रेकफास्ट का ऑप्शन बताने में मिलती हूँ, और आप बताना आपका डे नंबर 5 कैसे गया। मैंने व्लॉग अपडेट करे हैं 5 दिन के, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल की, जिसको ज़रूरत है उसको भेजना राइट की, ताकि उसको नॉलेज मिल जाए कि वो क्या खा सकता है क्या नहीं खा सकता। सॉरी मेरा गला बहुत ख़राब हो रहा है तो इसलिए ठीक है, इचिंग हो रही है यहाँ पे, इसलिए मुझे खींचना पड़ता है, आता कुछ नहीं है, बस ताकि वो इचिंग थोड़ी ठीक हो जाए। मैं गले के अंदर हाथ डाल के तो खुजा नहीं सकती, ऐसे ही करके खुजाना पड़ता है ठीक है। और अपना वाटर इनटेक मत भूलना, लंच करना टाइम पे, डिनर करना, ब्रेकफास्ट करना, सब करना। और आप जैसे जैसे आपके 10 दिन हो जाएंगे ना, आपको खुद ही हैबिट हो जाएगी। यू नो व्हाट, जब से मैंने डाइट शुरू करी, मैंने पिछले महीने भी शुरू की थी, 15 दिन ही करी थी, उसके बाद फेस्टिवल्स आ गए थे तो वो रह गई थी, और एक दिन मैं बीमार हो गई थी। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, अगर आपने एक दिन डाइट शुरू कर दी ना, आपके अंदर खुद ही मोटिवेट हो जाएगा। अब आपको पता है मेरे घर के सामने मोमोज बेचते हैं भैया, पहले जब मैं डाइटिंग पे नहीं थी ना, मैं मोमोज खाती थी, मुझे उनके पनीर मोमोज बहुत अच्छे लगते थे, मेयोनेज बहुत अच्छे लगते थे। जब से मैं डाइट पे आई हूँ ना, अब कोई वो चीज़ खाता है ना, मुझे लगता है मत खाए यार, मोटापा बढ़ जाएगा। मतलब जो मोटी लड़की खाती है हेल्दी, मतलब मेरी जैसी, मैं सोचती हूँ, बट जो पतली लड़कियाँ जिनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती, वो तो खा लो यार, उनको तो पानी भी नहीं लगता, हम जैसों को तो पानी भी लग जाता है ठीक है।
मैं आपको मिल गई ब्रेकफास्ट में। यह है आज का ज्ञान, बुरा मत मानना। मैं जो थिंकिंग रख रही थी मैंने वो आपके साथ शेयर करी। सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, बट हाँ अगर आप एक बार डाइट पे आ जाओगे ना तो आप कुछ बाहर वाला कोई खाएगा ना तो आपको अजीब लगेगा, ठीक है। अगर आपको बुरा लगा है सॉरी, नहीं लगा तो भी सॉरी, ठीक है। बाय। आज हम आपसे जादू में ही बात करते हैं, ठीक है। जैसे कि कल जादू दिखाया था, सारा ब्लैक हो गया, सिर्फ मेरा मुंह ही वाइट है। अभी हम लोग बात करते हैं ब्रेकफास्ट की। ब्रेकफास्ट में आपको मिला है, आप उपमा खा सकते हो या पोहा खा सकते हो या एक फ्रूट बॉल ले सकते हो, जो भी आपका मन करे आप वो खा सकते हो, ठीक है। उपमा, पोहा या फ्रूट बॉल, वो आपकी मर्जी है, आप इसमें से कुछ भी खा सकते हो। सही लग रहा है ना, ठीक है। और एक चीज़ बताती हूँ, जब मेरा फेस का फैट जाने वाला होता है ना, तो मेरे ये राइट साइड पे ना, वैसे तो जब चब्बी फेस था तब नहीं आता था डिंपल, और अब आता है हंसने में भी, ठीक है। अब आप बताना, आप ब्रेकफास्ट में जो भी खाना है आप खा सकते हो, पोहा, उपमा या फ्रूट बॉल, ठीक है। बॉल नहीं मतलब बाउल, सॉरी सॉरी। जी हाँ, वॉइस ओवर में आपको स्वागत है। ब्रेकफास्ट में मैंने लिया पोहा, मैंने यूट्यूब पे अच्छे से वीडियो देख के पोहा खाया, और नट्स भिगो रखे थे तो वो मैंने नट्स खा लिए साथ में, आप भी कर सकते हो। और खूब सारा करी पत्ता डाला था, बाय चांस ये बहुत अच्छा बन गया था। मैंने इसमें चीज़ चेंज करी थी, मैंने प्लेट में पोहा भिगो के रख देती थी, ठीक है, और वो ना ज़्यादा पानी सोख कर लेता तो फिर ना वो घुटा घुटा सा हो जाता था। आपके बाद मैंने छलनी में पानी निकाला, धोया मतलब, और छलनी में फैला के कर दिया था, एंड काफ़ी सही बना था। पहली बार मेरी मम्मा को भी अच्छा लगा, वरना मैं हमेशा घोर देती हूँ। हाँ, मिड मॉर्निंग स्नैक आज के दिन नहीं दिया हुआ था। दोपहर में आपको कोई भी एक सब्जी लेनी है, एक रोटी लेनी है और सैलेड लेना है, ये इसलिए दिया जा रहा है ताकि आगे जाके जो हमारा वेट लॉस हो जाएगा तो हम ये चीज़ खाने की आदत पर रहें, इसलिए ज़्यादातर दिया जाता है। रोटी तो खास कर दी जाती है, क्योंकि रोटी आगे जाके हम पतले पे देंगे तो भी इसका आप रैप रोटी वगैरह खा सकते हो। एंड ये मैं हेड वॉश करके आई थी, एंड थोड़ा सा मैंने नया शैम्पू यूज़ किया था तो वो थोड़ा स्मूथिंग दे रहा था, बट एंड से नहीं दे रहा था तो, एंड ये काफ़ी सही था। मैं मम्मा से बातें कर रही थी साथ में, और यही एंगल मुझे सही लगा क्योंकि एंगल अभी तक लिया नहीं गया है। और मिड मॉर्निंग, फिर इवनिंग की बारी आती है, इवनिंग में टी दी गई थी और मखाने, वो भी मैंने नहीं खाया, भूख ही नहीं लग रही थी। और फिर रात को हमें दिया गया था ओट्स का दलिया ले सकते हो या ओट्स पॉरिज खा सकते हो मीठा वाला, तो मैंने ओट्स पॉरिज खाया था, मीठा नहीं लिया था, मुझे नॉर्मल खाने की आदत है, मैं ऐसा आराम से खा जाती हूँ। अगर आपको नहीं आदत बिना मीठा खाने की, तो आप इसमें हनी ऐड कर सकते हो, शुगर आपको ऐड नहीं करनी है, तो आप जैगरी ऐड कर सकते हो, गुड़, ठीक है, यही ऑप्शन दिया गया था। या फिर राजमा की आप टिक्की बना के खा सकते हो, ये दिया गया था। तो राजमा फिर भिगो सुबह से, मैं भूल भी गई थी भिगोना, इसलिए मैंने राजमा की टिक्की अवॉइड करके ओट्स खाया, एंड ओट्स काफ़ी हेल्दी होते हैं, सही भी थे। और इसके बाद मैं मेहंदी लगाने चली गई थी, और मेहंदी मेरे हाथ की कल देखना, कल वाले ब्लॉग में। और रात को फिर मैंने मेहंदी लगा रखी थी, नाइट ड्रिंक नहीं।